हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैक्सिम ओ ड्रॉप के बारे में फॉर पीडियाट्रिक यूज़। मतलब जो बच्चों में एक टैक्सिम ओ नाम का ड्रॉप होता है, उसके क्या यूज़ होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसके क्या प्राइस होते हैं और क्या डोसेस फॉर्म होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, मेरा चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना, इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं टैक्सिम ओ ड्रॉप के बारे में। टैक्सिम ओ ड्रॉप एक एंटीबायोटिक ड्रॉप है जिसका यूज़ मतलब कई जगह किया जाता है, और इसमें जो साल्ट होता है, इस साल्ट का नाम होता है फ्रेंड्स सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशन IP, और इसके ऊपर लिखा है 5 ग्राम पर 10 ml। तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है जो 5 ग्राम इसमें सिफिक्सिम साल्ट है, मतलब 5 ग्राम इसमें साल्ट है, जो कि 10 ml इसमें अंदर एक 10 ml वाटर आया होगा, डिस्टिल वाटर, उसमें 10 ml में 5 ग्राम मतलब बनता है, 5 ग्राम का बनता है 10 ml पानी के घोलने पर। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके यूज़ बेसिकली जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, मतलब आँख कान में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी किया जाता है। और जो बच्चों में जैसे कि बुखार आ जाता है, बहुत दिनों से बुखार नहीं उतर रहा है, तो उस टाइम पर भी टैक्सिम ओ ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ होता है टॉन्सिल में, अगर टॉन्सिल हो जाते हैं बच्चों के सर्दी के कारण, उसमें भी यूज़ किया जाता है। साइनस इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है इसे। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब जो बच्चों को स्वतंत्र तंत्र की बीमारी होती है, मतलब वो सर्दी की वजह से होती है, जैसे गड़गड़ाहट वगैरह, छींकें आना, बार बार नाक बहना, तो उस टाइम पर भी टैक्सिम ओ ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये यूज़ होता है सिफिक्सिम ओरल सस्पेंशन यानी कि टैक्सिम ओ ड्रॉप का। इसका एक यूज़ और होता है फ्रेंड्स, वो यूज़ होता है बच्चों में निमोनिया में। फ्रेंड्स, वो बच्चे होते हैं जिन लोगों को निमोनिया होता है, जिन बच्चों को निमोनिया होता है, तो उन बच्चों में टैक्सिम ओ ड्रॉप का यूज़ किया जाता है निमोनिया के टाइम पर। तो ये इसके यूज़ थे फ्रेंड्स। आइए एक बार डोसेज फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसे 2 ड्रॉपर सुबह शाम दिया जाता है, मतलब इसमें ड्रॉपर भी होगा। आइए दिखाते हैं, इसमें एक ड्रॉपर होगा, इसमें 10 ml वाटर है, और इसमें ये निकलेगा पाउडर फॉर्म। फ्रेंड्स देखो, इसमें पाउडर है, एक ड्रॉपर भी होगा इसके साथ। तो ये रहा ड्रॉपर। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ होते हैं। तो ड्रॉपर की सहायता से छोटे बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है इसे। तो फ्रेंड्स, इसके 2 ड्रॉपर्स मतलब सुबह शाम दे सकते हैं बच्चे को, मतलब सर्दी खांसी वगैरह में भी दे सकते हैं। अब आइए इसके एक बार बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं कुछ, जैसे कि बच्चे को जी मचलाने लगे, बच्चे को उल्टी आने लगे, वोमिटिंग होने लगे, या फिर बच्चे की रेडनेस होने लगे स्किन, या बार बार लैट्रिन कर रहा है, लूज मोशन हो जाए, तो इस टाइम पर इसे रोक देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इसे दोबारा से पिलाएं। और फ्रेंड्स, हर बार वीडियो में कहता हूँ कि बिना डॉक्टर के संपर्क के या उनकी सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट। एक बार इसके प्राइस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस हैं 61 रुपीज़, मतलब 61 रुपये पे करने के बाद ये आपको टैक्सिम ओ ड्रॉप मिल जाएगा। और काफ़ी बेस्ट है, एल्केम कंपनी द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा रिजल्ट है इसका टैक्सिम ओ ड्रॉप का, तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है आपके बच्चे को। तो आप इसे दे सकते हैं और एक बार डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें। ऐसी आप वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरा चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।